इंस्टिंक्ट दिखाया, उनको अपने क्लास इंस्टिंक्ट से मार्क्स की थ्योरी को डिसप्रूव करना, उसको डिसक्रेडिट करना। इसका रीजन यह है कि मार्क्स की थ्योरी केवल थ्योरी फॉर द सेक ऑफ थ्योरी नहीं, ये एक ऐसी थ्योरी है जिसके रेवोल्यूशनरी इम्प्लीकेशन, ये एक ऐसी थ्योरी है जो ये दिखाती है कि कैपिटलिज्म इटर्नल नहीं, कैपिटलिज्म एक समय पैदा हुआ और कैपिटलिज्म एक समय खत्म हो जाएगा, इसका एक ट्रांजिटरी नेचर है, ये एक दौर है मानव इतिहास का, और इसके खत्म होने के ठीक ठीक कारणों की भी तलाश की मार्क्स ने, जो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन के कॉन्ट्रडिक्शन हैं उनको अनरावल किया, और इस वजह से उन्होंने ये दिखाया कि कैपिटलिज्म अल्टीमेटली कोलैप्स करेगा। इसको कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इस इनएविटेबल कोलैप्स की थ्योरी को इनएविटेबल विक्ट्री ऑफ सोशलिज्म की थ्योरी। कैपिटलिज्म का इनएविटेबल कोलैप्स इज नॉट इक्वल टू इनएविटेबल विक्ट्री ऑफ सोशलिज्म, इट कैन एंड इन बार्बरिज्म एंड एनिहिलेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इसलिए इसको कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन वर्कर्स पावर का इस्टेब्लिश होना कोई ऑटोमेटिक चीज़ नहीं है कि कैपिटलिज्म बुढ़ा होते होते गिर के पड़ जाए। इवन बुढ़ा आदमी की कुर्सी जोर से पकड़ के बैठ जाए तो उसको किसी पहलवान के लिए भी हटाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कैपिटलिज्म निश्चित तौर पर जर्जर है, अपने हमेशा से ज़्यादा फ्रेजाइल है, हमेशा से ज़्यादा कहा जाए कि खोखला मोरीबंड है और अपने डेथ बेड पर पड़ा हुआ है, लेकिन मरेगा ही अपने आप ये, इसको हटाने के लिए, और अगर ये अपने आप मरेगा तो ये सिविलाइजेशन के डिस्ट्रक्शन के साथ खत्म होगा। इसलिए रोजा लक्जमबर्ग ने अपने टाइम में कहा था सोशलिज्म और बार्बरिज्म, और आज भी दुनिया में आपको बार्बरिज्म की कुछ झलकियाँ देखने को मिल सकती हैं तमाम जगहों पर, जो कि हो रहा है हमारे देश में भी हो रहा है। ये कैपिटलिज्म से अलग चीज़ नहीं है, कोई सोचे कि कैपिटलिज्म का क्रिटिक तो अलग चीज़ है, गौरक्षा अलग चीज़ है, अलग चीज़ें नहीं चाहिए, ये काफ़ी जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अब इस पर अलग से तो अभी बात नहीं की जा सकती, लेकिन पूरी दुनिया में इस बार्बरिज्म के एक्सप्रेशंस को देखा जा सकता है। अब अर्ली क्रिटिक्स जो, हाँ एक और भी चीज़ है, जो ऐसे क्रिटिक्स हैं जिनको आप कहते हैं कि भाई ये न्यूट्रल पोलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये एंटी मार्क्सिस्ट नहीं, ये तो वैसे तो न्यूट्रैलिटी एक मिथ होती है, न्यूट्रैलिटी इट्सेल्फ इज अ पोजिशन। तो न्यूट्रैलिटी किसी न्यूट्रल जगह पे खड़े होकर जो लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स करते हैं, जो खुद भी कहते हैं कि हाँ हाँ पूंजीवाद में बड़ी बेरोजगारी होती है, बड़ी गरीबी होती है, बड़ा इसको थोड़ा ठीक कर दिया जाए, अगर पूंजीवाद को थोड़ा डोमेस्टिक डिमांड, जैसे हमारे देश में तथाकथित कम्युनिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स प्रभात पटनायक, जयती घोष, सी पी चंद्रशेखर, ये पूंजीवाद के झड़ते यौवन को दुरुस्त करने के लिए कुछ नीम हकीम जो बताते हैं कि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ा दीजिए बस ठीक हो जाएगा, सर डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी तो ये जो ओवर प्रोडक्शन इसका क्राइसिस रिजॉल्व हो जाएगा। तो पूंजीपति जैसे कोई एक जगह बैठ के कॉन्फ्रेंस करे और सोचे कि चलो मिलकर डोमेस्टिक डिमांड जरा बढ़ा दिया जाए, वेजेस बढ़ा दी जाए वर्कर की, तो वेजेस बढ़ेंगी वर्कर की तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी तो हमारा जो ये माल डंप पड़ा हुआ है गोदाम में वो सब निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर वो ऐसा करेगा तो कैपिटलिस्ट और कोई पूरा कैपिटलिस्ट क्लास अवलंब तो ऐसा करेगा नहीं, कोई एक कैपिटलिस्ट बहुत उसका हृदय विचलित हो गया, वो कहा कि नहीं मैं तो मजदूरों के लिए कुछ करके ही रहूंगा, तो तबाह हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन इस तरह के नीम हकीम नुस्खे झड़ते हुए यौवन को पुनः फिर से पूंजीवाद के झड़ते हुए नौजवानी को जवानी में तब्दील करने के लिए जो नुस्खे हैं, ये शाही शाहखाने जो खुले हुए हैं तमाम, जो शादी के बाद शादी के पहले गए, प्रभात पटनायक से लेकर जयती घोष से लेकर इस तरह के तमाम रिविजनिस्ट सोशल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, जो इस मतलब किसी भी कीमत पे हिफाजत करना चाहते हैं, क्यों, और इस तरह के बहुत सारे कीन्सियन नियो कीन्सियंस भी हैं, थॉमस पिकेटी की किताब है कैपिटल इन 21st सेंचुरी, उस किताब में वो कहते हैं कि इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही है, इनइक्वालिटी थोड़ा ठीक कर दी जाती है तो ठीक है, मतलब इनइक्वालिटी क्यों बढ़ी है और किस तरीके से वो कैपिटलिज्म के फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन का एक मैनिफेस्टेशन है, तो उसको दुरुस्त करने के बाद सिर्फ बजाय सिर्फ इनइक्वालिटी, वो नियो प्रूडोनिस्ट है, प्रूडों का ये कहना था कि समाजवाद का मतलब सारे मजदूर की मजदूरी बराबर कर दो तो समाजवाद आ जाएगा। मार्क्स ने कहा हम मजदूरी बराबर करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम मजदूरी की व्यवस्था खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं, हम वेज सिस्टम खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं जिसमें एक वर्कर अपने लेबर पावर को बेचने के लिए मजबूर होता है। तो वो इस तरह की बात, ये पुरानी जो गड़े मुर्दे उखाड़ के पुराने इस किस्म की हास्यास्पद बचकानी आलोचनाओं के प्रेतों को फिर से इन्वोक किया जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है यज्ञ करके और तरह तरह के तंत्र मंत्र करके, वो आज और कुछ नहीं कर रहा है, बस कैपिटलिज्म की सेवा करने का काम कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग डिसऑनेस्ट लोग, क्योंकि आप थियोरी में क्लास स्ट्रगल को ऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी से नहीं समझते, बोलते कि यार बहुत बदमाश लोग हैं, तो ऐसी बात नहीं, थियोरी के एरिना में क्लास स्ट्रगल इसीलिए चलता है, उनकी जो क्लास सेंसिबिलिटीज हैं उनको ये सब बड़ा दिक्कत लगता है, हिंसा होगी मतलब
लोग तख्ता पलट मतलब साज उछाले जाएंगे, तख्त गिराए जाएंगे, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? नहीं, कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, रिफॉर्म कर दिया जाए कुछ, तो उनकी क्लास सेंसिबिलिटीज को कोई भी रेवोल्यूशनरी इम्प्लीकेशन उनको इंस्टिंक्टिवली परेशान करता है। अब इस तरह के सारे प्रोफेसरान जो तीन तीन बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं वो सब कुछ कहते हैं हाँ मजदूरों को हक मिलना चाहिए, लेबर लॉज ठीक से लागू होने चाहिए। वो नीचे से जब कोई जोरदार मजदूरों का जुलूस निकलता है और वो बालकनी पे खड़े होकर देखते हैं तो एक पल में थोड़ा घबराहट दिखती है, क्या इतना चिल्ला क्यों रहे, इतनी जोर जोर से नारे क्यों लगा, थोड़ा आराम से नारे लगाओ। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये क्लास इंस्टिंक्ट है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कोई कहे कि ये बेईमान है, वो ईमानदार है, वो बदमाश है, वो नेक है। ये संत पूंजीवाद की चाहत, एक ऐसी कैपिटलिज्म की चाहत जो सेंट कैपिटलिज्म हो, जो एक्सप्लॉयटेशन मतलब ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, इतना तो दे दे वर्कर को कि वर्कर खा पी ले, ठीक। इस तरह के संत पूंजीवाद की चाहत बेसिकली एक पेटी बूर्जुआ क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म है, ये कैपिटलिस्ट क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, एक किस्म का पेटी कैपिटलिस्ट क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म। तो इस तरह के सारे ही ये जो बूर्जुआ एकेडेमिया में तथाकथित लेफ्ट है, रिविजनिस्ट लेफ्ट, सोशल डेमोक्रेटिक कीन्सियंस, नियो कीन्सियंस, पोस्ट कीन्सियंस वगैरह वगैरह, इनके सारे प्रेस्क्रिप्शन के पीछे यही संत पूंजीवाद की एक बचकानी चाहत है, चाहे वो बदमाशी से पैदा हो रही हो, नेक दिली से पैदा हो रही हो, नादानी से पैदा हो रही हो, या वर्ग उससे, ये तय करना हमारा काम नहीं है एज साइंटिस्ट, लेकिन ये फैक्ट। एक अब जो अर्ली क्रिटिक्स थे उन पर एक छोटा मैं ब्रीफ डिस्कशन बस करूँगा अर्ली, क्योंकि मैं आधे घंटे में खत्म कर दूंगा ताकि एक डेढ़ घंटे डिस्कशन के लिए रहे। जो अर्ली क्रिटिक्स है उस पर ब्रीफ डिस्कशन इसलिए करूँगा क्योंकि अर्ली क्रिटिक्स जो कैपिटल के थे उन्होंने जो कुछ कहा, ये जो नए क्रिटिक्स हैं